हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो शुरुआत है वो जीत के साथ की है और ये एक ऐसी पिच थी जहां पे दो प्रमुख टीमें जूझती हुई नजर आई हैं, डबल पेस और अनइवन बाउंस। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी पिच अगर भारत में होती तो शायद अब तक बैन लग गया होता। भारतीय टीम को इस पिच पर कई अहम मुकाबले खेलने हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक लर्निंग अच्छी थी आज के मैच में। आज के मैच में रोहित एंड कंपनी आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला 8 विकेट से जीतने में कामयाब रही। हालांकि असल मुकाबला उन्हें 9 जून को इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या थी। प्लेइंग 11 में अगर आप देखें तो जैसा हम सभी को उम्मीद थी कि इस मैच में रोहित के साथ कोहली जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें कोहली नहीं खेले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जिस फॉर्मुलेशन के साथ उतरी थी टीम उससे ऐसा लग रहा था कि जो यशस्वी जायसवाल है उनको मौका नहीं मिलेगा, और वैसा कुछ देखने को मिला भी इस मैच में। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर के साथ भारतीय टीम उतरी थी और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो फैसला रहा है वो काफ़ी सही था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में गेंदबाजी आपने देखी, पहले तो अर्शदीप ने विकेट निकाले, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद सिराज जो रहे हैं उन्होंने जो प्रेशर था वो बिल्ड करने का काम किया। और उससे कहा जा सकता है कि एक अच्छी चीज़ यही रही है कि उस प्रेशर का जो फ़ायदा था वो बाद में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने उठाया, लेकिन इस मैच का कोई सबसे शानदार गेंदबाज रहा है तो वो रहा है जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से उन्होंने 3 ओवर में मात्र 6 रन देकर के 2 विकेट निकाले, जिसमें एक मेडल भी शामिल था। और एक रिकॉर्ड में मैं आपको बता देता हूँ कि T20 इंटरनेशनल में, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, T20 इंटरनेशनल में अब सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि मेडल डालने का रिकॉर्ड है वो जसप्रीत बुमराह के नाम हो चुका है। उन्होंने 11 मेडल डाल चुके हैं अभी तक, इससे ज़्यादा कोई भी बॉलर T20 इंटरनेशनल में नहीं डाल पाया है। मैं प्राइवेट लीग्स की जो बात कर रहा हूँ जो हर देश में होती हैं उनकी बात अलग है, वो उनका रिकॉर्ड जो है वो अलग है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने में कोई देरी नहीं। अनइवन बाउंस वाली पिच पर भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से मैच को भारतीय झोली में डालने का काम किया, जहां पर पहले स्पेल में जैसा हमने शुरुआत में कहा कि अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकालकर आयरलैंड की जो मुश्किल थी बढ़ा दी, दूसरे एंड पर मोहम्मद सिराज जो है वो प्रेशर बना दिए, हार्दिक पांड्या ने धारदार गेंदबाजी की और जसप्रीत बुमराह ने आकर के तो कहरे ढाल दिया। भारतीय टीम के सामने लक्ष्य केवल 97 रनों का था, लेकिन ये ऐसी पिच थी जहां जब फील्डिंग कर रही थी भारतीय टीम तभी आप कह सकते हैं कि सभी की जो आंखें थी, बल्लेबाजों की आंखें थी, उन्होंने खोल दी थी। जिस तरह का अनइवन बाउंस हो रहा था और बॉल कई बार ऐसा भी हो रहा था कि डबल पेस में चल रहा था, तो इससे बल्लेबाज समझ गए थे कि इतना आसान नहीं होने वाला है। भले 97 रन ही है लेकिन इसी नहीं होगा, जैसा कि हम अभी तक IPL में देखते आ रहे थे काफी तेजी से रन बनते थे तो वैसा विकेट देखने को नहीं मिला। 5 महीने पुराना पिच है, ऑब्वियस सी बात है कि विकेट कब अच्छा होगा, जब जितना आप उस पर खेलते जाएंगे तो धीरे धीरे विकेट क्या होता है कि बार बार बनने पे, रोल होने पे और कंडीशंस देखने पे विकेट अच्छा हो जाता है, लेकिन 5 महीने पुराना पिच है तो इतने आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बिना अभ्यास मैच खेले विराट कोहली पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के साथ ओपनिंग करने उतरे थे। शुरुआती ओवर में ही निकल कर जबरदस्ती बाउंड्री निकालने के चक्कर में विकेट को देते हैं कोहली, अपना 1 रन पे गवाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा जो हैं जो पिच की हरकत रही उसे बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। वो कई बार अपने ट्रेडमार्क शॉट जो मारते हैं वो उससे चूके भी हैं, एक बार उनके चोट भी लगी, लेकिन शुरुआती ओवर में 2 स्लिप में एक बार कैच छूटने के बाद भी उन्होंने फिर आयरलैंड के जो गेंदबाज रहे उनको कोई भी मौका नहीं दिया। रोहित अंत में अर्धशतक बनाने के बाद रिटायर्ड हट आउट हुए, और वो आउट होने का भी कारण ये था कि उनके शोल्डर पे बॉल लग गई थी, मारना चाह रहे थे और शोल्डर पे लग गई थी तो वहाँ से वो रेस्ट नहीं लेना चाहते थे, और जिस टाइम पे वो रिटायर्ड हट हुए वहाँ से मुझे लगता है कि शायद 21 रन की जरूरत थी भारतीय टीम को और काफ़ी गेंदें बची हुई थी। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास नीचे बहुत सारे बैट्समैन थे, आप सूर्य कुमार यादव थे और अक्षर पटेल हैं, रवि जडेजा हैं, बहुत सारे हार्दिक पांड्या हैं, तो कंफर्टेबल वहाँ पे आप कह सकते हैं कि पोजीशन पे थी भारतीय टीम, तो वो बाहर जाने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। बाद में उन्होंने बताया भी कि हल्का सोर है जिस वजह से मैं बाहर आ गया था, लेकिन ऋषभ पंत ने जो 2 पारियां इस पिच पर खेली उससे लगता है कि वह ऐसा ही अगर चलता रहा जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए वो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा भारतीय टीम को, लेकिन हाँ ये विकेट जिस तरह से चल रहा है आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा चिंता वाली बात हो सकती है भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाफ है मैच ईजी नहीं होने वाला। उनके पास जो गेंदबाज है आप कह सकते हैं कि शानदार गेंदबाज है, शाहिद आफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर वापस आए हैं और नसीम शाह हैं, तो ईजी नहीं होने वाला है। हालांकि
मुझे लगता है जितनी मेरी जानकारी है शायद मोहम्मद शादाब जो रहे हैं वो बाहर हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से किसी वजह से, तो स्पिन डिपार्टमेंट तो वैसे भी उनका क्वालिटी नहीं था उतना, लेकिन जो मीडियम पेस डिपार्टमेंट है उससे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। विकेट देखते हैं कि कैसा चलता है धीरे धीरे खेलते हुए किस तरह जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कल हालांकि पाकिस्तान का मैच भी है, तो ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन रहा भारतीय टीम का और हम यही उम्मीद करेंगे कि जो अगला मैच है पाकिस्तान के खिलाफ वो भी हमें शानदार देखने को मिले। तो बस यही था मैच की रिपोर्ट जो रही है और हमने जो भी छोटी बड़ी चीज़ें थी वो आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।